नमस्कार। तो आज हम दो मैचेस की बात करने वाले हैं, एक डर्बी के बारे में, कोलकाता डर्बी, और एक अंडर 16 सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप का जो फाइनल हुआ है जिसमें हमारी इंडिया हार गई है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उसको लेकर मैं थोड़ा सा, मेरे मन में थोड़ा सा आक्रोश है, गुस्सा भी है, वो मैं बोलूँगा। और पहले हम डर्बी की बात कर लेते हैं, पहले थोड़ी सी खुशी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि ईस्ट बंगाल फैंस आर नॉट हैप्पी, बट एक अच्छा मैच रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि एकदम ह्यूमिलेटिंग, चलो स्कोर लाइन के हिसाब से ह्यूमिलेटिंग है, लेकिन एकदम गेम प्ले के हिसाब से दोनों हाफ डिफरेंट थे। आपने जैसे कि देखा, फर्स्ट हाफ इन अ फेवर ऑफ मोहन बगान, सेकंड हाफ इन अ फेवर ऑफ ईस्ट बंगाल। बस वही कि वो चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए, अदरवाइज ये गेम ड्रॉ पे जा सकता था। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में क्या है। फर्स्ट हाफ में आप देखिए कि चांसेस अगर कन्वर्ट हो जाते ईस्ट बंगाल के, मोस्टली वो जो पेनाल्टी मिल गई थी वो अगर कन्वर्ट हो जाती तो ईस्ट बंगाल इस मैच में अलग रुख ले सकती थी। बट वहां पर जो कमिंग्स को जो गोल मिल गया वहां, और देखिए वो एक लकीली वो गोल मिल गया, क्योंकि पेटी टॉस ने शॉट लिया, एंड वहां पर आपको पता है कमिंग्स की पोजिशनिंग की ही बात हम मतलब उसी चीज की तारीफ करते हैं, पोजिशनिंग वो हमेशा सही होती है। वो एक गोल मिल गया, वहां से एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो गया। आप देख सकते थे वहां तक मैच बहुत ज्यादा वन साइडेड नहीं जा रहा था मोहन बगान की तरफ, लेकिन उसके बाद वो कंप्लीटली उनके तरफ चला गया। और मैं एक चीज सिंपल सी कहूंगा, वो जो लिस्टन कुलासो वाला गोल हुआ है, मैं जब मैच देख रहा था तब भी मैंने ये चीज बोली कि इतना, मतलब इतना लाइट कैसे कोई गोल मार सकता है, इतना फ्री, इतना कैसे खड़ा है प्लेयर, इतना फ्री, मतलब खड़े खड़े यूं बॉस वाला टैपिंग था और ठग लाइफ वाला। तो ये मेरे हिसाब से डिफेंसिव एरर वो बहुत बड़ा हुआ। चलिए पहला गोल तो वो अनएक्सपेक्टेड में बोल सकता हूं कि रिबाउंड पे वहां पे कमिंग्स एकदम फ्री थे, उनको गोल मिल गया। उसमें जो थर्ड गोल, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आप इतना आपने गोल मार्जिन इतना बढ़ा दिया 3-0 कि वापस आने के आपके आधे रास्ते यूं बंद कर लिए। वो पेनाल्टी हुई और वो थी पेनाल्टी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे में और भी पेनाल्टीज नहीं दी गई है, विष्णु वाली पेनाल्टी नहीं दी गई है, कमिंग्स वाली पेनाल्टी नहीं दी गई है, तो पेनाल्टीज नहीं दी गई है तो रेफरीज के ऊपर तो मतलब कितना ब्लेम आप करेंगे, कोई मतलब की बात है नहीं, क्योंकि उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ नहीं रहा है। हमने पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है, करते रहेंगे, करते रहे हैं, बट देयर इज नो रिजल्ट फ्रॉम फेडरेशन साइड, लीग कमेटी साइड कि इसके ऊपर सुधार कुछ हो, नथिंग। तो क्या बोले इसके ऊपर, क्या ही बोल सकते हैं। और देखिए इस मैच में सेकंड हाफ में जो चेंजेस लाए ईस्ट बंगाल ने, वो माइंडसेट मेरे ख्याल से वो ब्रेक की जरूरत थी उनको, इसलिए वो सेकंड हाफ में चीज दिखी। और सेकंड हाफ में आपने देखा कि चलिए एक तो प्लेयर्स जो चेंजेस हुए, सयान आए, लाल चुंगुनुंगा बाहर गए, विष्णु आए, तो ये इन प्लेयर्स ने काफी इंपैक्ट डाला इस मैच में, काफी इंपैक्ट डाला मैं कह सकता हूं। और फर्स्ट हाफ में आप क्लियरली बोल सकते हैं कि मिडफील्ड थी डोमिनेटिंग मोहन बगान की, सेकंड हाफ में मिडफील्ड थी डोमिनेटिंग ईस्ट बंगाल की, क्योंकि मिडफील्ड की वजह से वो चीजें हुई। लेकिन वही कि फाइनल थर्ड में आप देखिए कि फाइनल थर्ड में कितनी एंट्रीज थी, कितनी फाइनल थर्ड में एंट्रीज जा रही थी ईस्ट बंगाल के सेकंड हाफ में। बट डिफेंस की तारीफ मैं करना चाहूंगा, वेरी गुड डिफेंस। और इस मैच में मैं मोहन बगान की डिफेंस की ही तारीफ करूंगा, पहले तो फर्स्ट हाफ की भी, सेकंड हाफ की भी। हालांकि देखिए अटैकिंग साइड की भी तारीफ होनी चाहिए, पेटी टॉस के एफर्ट्स, पेटी टॉस के असिस्ट, एक पेनाल्टी पे गोल भी मारा उन्होंने, वो एक अलग चीज है, बट डिफेंस की वजह से ही मोहन बगान इस मैच में बची है। आप देखो कितना कामली डिफेंस किया गया मोहन बगान के साइड से, इट वॉज अमेजिंग। और देखिए ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों ही टीम्स के लिए, बट मोहन बगान हबास की जो टैक्टिक्स रही है वो अच्छी, देखिए टैक्टिकल एक वे में बोलेंगे, जो एक बोला जाता है कि गेम की पेस स्लो, वो तो करना पड़ेगा, ठीक है वो करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर इन अ बेटर पोजिशन, 3-0 पे थे आप, 3-0 पे, देन 3-1 हुआ वो एक अलग बात है। तो चलिए गेम प्ले के हिसाब से तो दोनों ही टीम ने अच्छा खेला है, अगर स्कोर लाए, एक स्कोर्स आए आते उनके साइड से तो अच्छा हुआ। देखिए क्लेटन ने वो जो क्लेटन का एक हेडर भी, विशाल कैथ की तारीफ बिल्कुल होगी, विशाल कैथ की पेनाल्टी सेव करना वो मोहन बगान को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दे गया, उनके डिफेंस को, उनके अटैक साइड को, सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट था वो सेव। और उसके बाद विशाल कैथ पूरे मैच में अपना वो जलवा दिखाया उन्होंने, ठीक है। हालांकि अगर आप बोलेंगे वो साउल क्रेस्पो वाला गोल, वो तो आउटस्टैंडिंग गोल था, मतलब वहां पे चांस ही नहीं था। एक तो उस पर क्लेटन का विजन, क्रेस्पो का रन, देन एक वो चेस्ट डाउन जो किया, स्कोर निकाला, इट वॉज अमेजिंग। और देखिए फर्स्ट हाफ में अगर ये चीज थोड़ा सा मोमेंटम लूज नहीं करती ना इस बंगाल, ये मैच एक अलग लेवल पे जाता। हालांकि अभी भी सही था मैच, लेकिन एक अलग और टफ आता, मतलब बहुत
या तो बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग जाता, दोनों टीम स्कोर करती, लेकिन जो डिफेंसिव एरर्स हुए और मोमेंटम लूज हुआ वहां से मैच की पूरी कहानी पलट गई। तो चलिए अभी देखिए, मोहन बगान तो एक अच्छे मतलब बोल सकते कि आप ज्यादा बेटर पोजिशन में अब जा रहे हैं, बिकॉज ये विन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वन मैच इन हैंड था। अभी अगर हम टेबल की बात करें तो मोहन बगान टॉप ऑफ द टेबल जा चुका है, 36 पॉइंट्स और वन गेम इन हैंड ऑलरेडी बचा हुआ है उनके पास। और वहीं पर ईस्ट बंगाल इस मैच को हारने के बाद और बदतर पोजीशन में जा चुका है, 19 गेम्स में उनके पास 18 पॉइंट्स हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि ईस्ट बंगाल के पास अभी भी कोई रास्ता बचा है कि वो प्लेऑफ में जगह बनाएगा? अब आपको कुछ लगता हो तो आप बताइए कमेंट में, बिकॉज अभी तो उनके पास जो आगे रास्ता है और कठिन नजर आ रहा है। अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा और जो AFF की मीटिंग हुई उसकी बात मैं अलग वीडियो में करूंगा, गर्ल्स फुटबॉल के ऊपर जाना चाहूंगा। हमारी टीम पेनाल्टीज में हार, बट क्या गेम प्ले हमारी टीम ने अच्छा किया? नहीं किया। आपने गेम देखा होगा, मैंने भी देखा, गेम प्ले भी बहुत बेकार है, मतलब बेसिक्स चीजें मिसिंग लग रही थी अंडर 16 के उस गेम में। बट क्या ब्लेम, कितना ब्लेम हम करें, क्योंकि क्या चीजें उनको दी जा रही है, क्या सुविधाएं दी जा रही है, क्या फैसिलिटीज दी जा रही है, क्या उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट है उन लड़कियों के लिए? नहीं है, बस कोई टूर्नामेंट आया, कैंप लगाया, चलो मैच खेलने, ये हो रहा है। तो इस बेसिस पे आप रिजल्ट की कामना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और कर रहे होंगे तो फिर वो बेकार फालतू चीज है, बिकॉज विदाउट प्रिपरेशन इफ वी आर गोइंग टू प्ले इन एनी टूर्नामेंट, नो रिजल्ट, और रिजल्ट आ भी गया तो तुक्के में आएगा, सिंपल सी बात। मतलब मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि इनको कैंप चाहिए एक साल का, ना, मैं तो बोल रहा हूं इनको सिस्टम दीजिए, इनको यूथ सिस्टम दीजिए गर्ल्स को। खेलो इंडिया के भरोसे जिंदगी टिकी हो तो गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की चीज है खेलो इंडिया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इनके लिए AFF के सिस्टम चाहिए, इनकी लीग चाहिए, सब चीजें चाहिए, क्लब लेवल फुटबॉल चाहिए इनके लिए भी, वो होना चाहिए एकेडमी जो भी होता है, बिकॉज इनके लिए कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। बांग्लादेश भाई वुमेन्स फुटबॉल पर कितना कर रहा है फोकस, उनकी हर टीम ग्रो कर रही है, अंडर 19 में उन्होंने अपने को टफ कॉम्पिटिशन दिया, अंडर 16 में टफ दिया, सीनियर में तो सीधे हराती है, बोल के हराती है, तो कहाँ जा रही है वो टीम, हम कुछ नहीं कर पाए तो है ना, वो मजाक मजाक में सब निकल रहे ऊपर, अपन वहीं रह रहे हैं। अब कई बोलते हैं कि मेंस फुटबॉल पे फोकस कर लेते, बाद में वुमेन्स पे करेंगे, तो भाई वो एक अच्छी बात है, लेकिन अभी कम से कम वुमेन्स फुटबॉल में एटलीस्ट सैफ के तो हमेशा जो क्वीन बन के तो रहो, सैफ में, गर्ल्स में, गर्ल्स में किंग नहीं बन सकते ना, वुमेन्स में बनिए किंग, तो जैसे वो है ना, डोमिनेटिंग रहना चाहिए, पहले डोमिनेशन था ना अपना, भाई हम एक भी मैच नहीं हारते, एक मैच नहीं हारते सिंगल, अब लेकिन वो लोग हराते हैं, सीधे हराते, मतलब अपन थोड़े से अंडर प्रेशर खेलते हैं, ये सिचुएशन आ गई है, क्योंकि उन्होंने वर्क किया, हमने वर्क नहीं किया, हम वहीं पे बैठे रहे यूं करके कि अरे हमसे आगे कौन निकलेगा, वही कछुए और खरगोश वाली रेस, कि कछुआ जो है वो निकल गया धीरे धीरे, अब निकल रहे ऊपर धीरे धीरे सेफ कंट्रीज। तो ये गलत बात है, हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सोचना चाहिए, है ना, अपने को आइडल कुंभकर्ण को नहीं बनाना है सोते रहना, अपने को आइडल जो है ऐसा बनाना है, चंट चलाक, ठीक है ऐसा। तो अब वही है, क्या काम होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें, देखो अपने को शर्म आती, बिज्जती महसूस होती है जब हम इनसे हारते हैं, क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में बैठे एक्स प्लेयर्स है ये सब, इनको नहीं आती है? मुझे पता नहीं, आती भी होगी नहीं आती होगी पता नहीं, लेकिन आना चाहिए, बिकॉज अगर हम इनसे हारेंगे तो क्या वर्ल्ड कप के सपने देख रहे हैं भाई, वो भी तो वर्ल्ड कप के सपने देख रहे हैं, हम भी थोड़ी देख रहे, वो भी देख रहे हैं, बट दे आर वर्किंग, वी आर नॉट, सिंपल सिंपल। तो हारेंगे अपन, इसके ऊपर काम होना चाहिए, सिंपल सी बात यह है, यही कहना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर भी आपके क्या थॉट्स हैं आप जरूर बताइए, डर्बी के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं आप जरूर बताइए, जो भी आप कहना चाहें, आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए, तो जरूर, क्योंकि इससे हमको काफ़ी ओपिनियन सजेशन सब चीज़ें पता चलती कि फैंस क्या सोच रहे हैं, फैंस के दिमाग में क्या है। तो आपके कमेंट्स राय जो भी आप जरूर लिखिएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिंद जय भारत।